वेलकम बैक गाइस, एक और कमाल के वीडियो में। रैंकिट भैया चलो, बहुत दिन हो गए, आज हम लोग न्यूज देखते हैं। हाँ भाई, जरा टीवी चालू करो, देखें भाई आजकल न्यूज पे क्या दिखाई दे रहा है। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग इसे चल के जरा ऑन करते हैं। आज संजन पीछे खड़े हो जाओ, न्यूज बस चालू होने ही वाला होगा। चलो तुम भी यार रेडी हो जाओ देखने के लिए। गौर से सुनिए, लॉस एंजेलिस के सारे सिटीजंस, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। आप लोग से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चर्च पे कभी मत जाइएगा आज के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे भूत रहने लगे हैं और जो भी वहाँ जाता है वो वहाँ से जिंदा नहीं लौटता है। भाई ये कैसी न्यूज थी यार सिंचन, सुना तुमने? हाँ फ्रैंकी भैया, लेकिन हम लोग तो इस चर्च पे पहले जा चुके हैं। वही तो यार, ये चर्च पे तो हम लोग पहले जा चुके हैं, लेकिन अब वहाँ पे भूत कैसे आ गया? पता नहीं फ्रैंकी भैया, चलो चल के देखते हैं। भाई चल के देखते हैं, तुम भी क्या बात करते हो यार, भूतों से डर नहीं लगता क्या तुम्हें? भाई मुझे तो बहुत डर लगता है। हाँ फ्रैंकी भैया, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन वैसे तुम कह रहे हो ना तो मुझे भी इंटरेस्ट तो आ रहा है यार कि हम लोग एक बार चल के वहाँ देखें यार, मतलब सच में भूत होते हैं या हम लोग ऐसे फालतू में डरते हैं। रंगीत भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो चल के देखते हैं ना। भाई लेकिन यार बच्चे हो तुम, तुम्हें तो कुछ नहीं करेगा भूत, लेकिन मेरा तो यार चटनी बना देगा। रंगीत भैया कुछ नहीं करेगा वो, भूत नहीं होते हैं कुछ भी, हम लोग बस फालतू का डरते हैं। अबे नहीं यार, हो सकता है वहाँ पे भूत मिले, क्योंकि जब ऐसा लोग कह रहे हैं यार न्यूज पे कि भाई वहाँ भूत रह सकता है, हम लोग को नुकसान भी पहुँचा सकता है, जिंदा वापस नहीं आ सकते, तो भाई सोचो यार वहाँ हुआ तब क्या होगा हमारा। रंगीत भैया कुछ भी होगा, हम लोग भाग के आ जाएंगे। अबे यार अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलो अच्छा चल के देख लेते हैं। ठीक है फ्रैंकी भैया, चलो चलते हैं। लेकिन गाइस मेरे पास एक और आइडिया यार, वो जो एक गेम होता है चार्ली चार्ली वाला। हाँ फ्रैंकी भैया मैं जानता हूँ उस गेम के बारे में। बिल्कुल भाई, उस गेम से ना हम लोग भूतों से बात कर सकते हैं। हाँ फ्रैंकी भैया मुझे भी पता है, भूत से हम लोग बात कर सकते हैं। तो देखते हैं यार, अगर रियल में भूत होंगे तो भाई हम लोग बात भी कर पाएंगे। फ्रैंकी भैया पहले तो आप मेरे ऊपर मत चलो। अबे भाई रास्ते में आ जा रहे हो तुम। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था यार, हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं भाई अगर रियल में सच में भूत होते होंगे तो हम लोग भाई उनसे बात कर पाएंगे, या फिर ये एक अफवाह ऐसे फैली हुई है कि चार्ली चार्ली से हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ तो फ्रैंकी भैया चलो, हम लोग लेके चलते हैं एक बोर्ड और एक एरो वाला स्टिक। हाँ भाई सही कह रहे हो, चलो हम लोग फटाफट ना ये सब अपनी गाड़ी पे रखते हैं। एक व्हाइट बोर्ड तो मेरे पास है यार घर में ही। हाँ तो ठीक है फ्रैंकी भैया, चलो चलते हैं। चलो गाइस, तो ये देख सकते हो एक व्हाइट बोर्ड हमने रख लिया है, इसके ऊपर हम लोग खेलेंगे अपना चार्ली चार्ली वाला गेम। ठीक है फ्रैंकी भैया, चलो इसे लेके चलते हैं। वैसे तुम्हें पता है कैसे खेलते हैं? हाँ फ्रैंकी भैया मुझे पता है, वहाँ पे बोलना पड़ता है चार्ली चार्ली आर यू हियर। हाँ भाई ऐसे ही हमें बोलना पड़ता है, और अगर वो वहाँ पे होता है तो मतलब ना इस पे हम लोग यस नो एक तरीके से लिखेंगे, एक तरफ यस लिखेंगे एक तरफ नो, और जिधर भाई वो एरो घूम जाएगा उधर भाई पता चल जाएगा कि अगर वो रहेगा तो यस पे चल जाएगा, अगर वो नहीं रहेगा तो नो पे चल जाएगा। बस हमें उससे पूछना है कि वो वहाँ पे है या नहीं है, तो वो बताएगा अपनी तरफ से उस एरो को घुमा के। तो ठीक है फ्रैंकी भैया, चलो चलते हैं फटाफट। गाइस तो बस वो आने वाला है चर्च, वहाँ देखो सामने, और है तो यार सही में ये एकदम जंगल में, देख सकते हो भाई इधर सुनसान कितना रास्ता है यहाँ। सही में भाई रात में तो किसी को भी यार डर तो लगता होगा। चलो अच्छा चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। रास्ता किधर से यार ऊपर जाने का, कहीं इधर से तो आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों भाग रही है यहाँ पे? भाई लगता है इन्हें भूत दिख गया होगा। रंगीत भैया वैसे मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ भाई क्या हो गया? रंगीत भैया भूत दिन में तो नहीं निकलते हैं। भाई हाँ यार बात तो सही कह रहा है वैसे सिंचन, सही में भाई भूत वगैरह दिन में तो निकलते हैं नहीं यार, वो सब मेरे ख्याल से रात में ही दिखते होंगे, दिन में यार कौन ही डरेगा। ये देखो भाई अभी मुझे तो उतना कुछ डरावना लग भी नहीं रहा है, ये रात होती तो मुझे भी भाई थोड़ा बहुत डर लगता, लेकिन देखो भाई चर्च मेरे ख्याल से ये बंद हो चुका है चारों तरफ से। भाई न्यूज में कह रहा था कि वहाँ पे नहीं जाना है, और यहाँ देखो यहाँ पे तो दो लोग यहाँ खड़े होके सुट्टा फूक रहे हैं। अबे जाओ यार, तुम लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे भूत है? भाई तुम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हो यार। फ्रैंकी भैया छोड़ो ना यार, हमें क्या मतलब। वही तो भाई छोड़ो, जाने देते हैं यार, मरना होगा तो मरेंगे ये लोग। अबे इसे भी नहीं समझ में आ रहा है, वो तो भाई बंदा कम से कम चला गया। जाओ भाई, तुम्हारा दूसरा वाला दोस्त तो गया ना, कम से कम तुम तो जाओ। हाँ फ्रैंकी भैया छोड़ दो यार, वो चला जाएगा। चलो भाई छोड़ो यार, हमें क्या ही करना है। वैसे देखो गाइस चारों तरफ से बंद दिखाई दे रहा है, कहीं अंदर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। रंकित भैया हम लोग वेट करते हैं रात होने का। भाई यहाँ नहीं वेट करते, हम लोग घर चलते हैं, घर चलते हैं आराम से, भाई सो जाते हैं और रात होते ही भाई हम लोग आते हैं वापस। ठीक है फ्रैंकी भैया, फिर तो हम लोग यहाँ पे फालतू में आ गए। भाई फालतू में नहीं आए हैं, अभी तो हम लोगों ने देख लिया ना कम से कम कि यहाँ पे इस समय देख सकते हो ऐसा माहौल है, और रात के समय मतलब हम लोग को अगर भूत कहीं से दिखा तो हम लोग कैसे भाग सकते हैं। यहाँ देखो भाई बहुत सारे ग्रेव भी हैं, देख सकते हो। चलो गाइस तो अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने घर पे, एंड आते हैं यार थोड़ी देर बाद। हाँ फ्रैंकी भैया अभी वैसे टाइम कितना हो रहा है? भाई फिलहाल तो यार टाइम हो रहे हैं 12:30।
ठीक है भाई, तो अभी मेरे ख्याल से लगभग हमें 12-1 बजे तक आना चाहिए रात में। हाँ फ्रेंकी भैया, 1 बजे ठीक रहेगा। बिल्कुल भाई, 1 बजे तक आते हैं। और यार मैं ना अपने साथ कुछ गन्स वगैरह ले लेता हूँ। हाँ फ्रेंकी भैया, चलो चल के हम लोग गन खरीद लेते हैं। यार गन हम लोग ले लेते हैं कम से कम अपने सेफ्टी के लिए। वैसे फ्रेंकी भैया, क्या उसे गोली वगैरह लगेगी? भाई पता नहीं यार गोली लगेगी या नहीं, लेकिन ले लेते हैं यार, गन ले लेंगे और कुछ मतलब हथौड़ा टाइप का या कुछ मारने वाला चीज ऐसा ले लेंगे कि हमें अगर कोई नुकसान पहुंचे तो हम लोग कम से कम अपने को बचा सके, डिफेंस तो कर पाए। हाँ फ्रेंकी भैया सही कह रहे हो, और मैं भी एक ले लूंगा। बिल्कुल भाई, तुम भी एक ले लेना, मैं भी ले लेता हूँ। चलो गाइस, तो ये देख सकते हो एम्यूनेशन आ चुका है, अपनी कार को हम लोग यहाँ पार्क कर देते हैं। यार समय जल्दी से बीते ताकि हम लोग पहुंचे वहाँ। मुझे अब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, मन कर रहा है जल्दी से जाने का। अभी तो यार 12:43 हुए हैं सिर्फ। चलो कोई नहीं, चलते हैं जल्दी से यार, गन्स ले लेते हैं और कुछ ऐसे मिली वाले आइटम ले लेते हैं, जैसे चाकू या कुछ डंडे वगैरह ऐसे ले लेते हैं मारने के लिए। भाई एक पिस्टल दे दो और एक मिली दे दो कोई। गाइस तो ये देख सकते हो हमने इतने आइटम ले लिए हैं, यहाँ एक पिस्टल ले लिया और यहाँ पे भाई एक मैंने हैमर ले लिया और एक बेसबॉल बैट, बेसबॉल बैट मैंने अपने लिए, हैमर ले लिया भाई सिंचैन के लिए। अब ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आज और सिंचैन चलते हैं यार घर। समय इस समय कितना हो चुका है भाई? 2 बज गए यार, बहुत टाइम लग गया हमें लेने में। हाँ फ्रेंकी भैया, हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे ना बहुत देर से। बिल्कुल भाई, हम लोग को जल्दी पसंद नहीं आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जल्दी से अपने घर पे चलते हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है यार। अब रात होने में 1 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे किसी भी तरह। भूत यार हम लोग से वहाँ पे छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, आज हम लोग उसे देख के रहेंगे। चलो गाइस, तो वापस से हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं। और भाई यार जल्दी से रात हो जाए यार प्लीज, पता नहीं क्यों मुझसे वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। चलो जल्दी से अब चल के सो जाते हैं। सो जाएंगे ना तो समय का पता नहीं चलेगा कब रात हो जाएगा। आ जाओ सिंचैन, तुम भी यार आके जल्दी से सो जाओ। चौप आ गया क्या? चौप गया था कहीं बाहर घूमने के लिए। वाह यार चौप आ गए, और टीवी भी हटा दिया तुमने? हाँ फ्रेंक भैया, टीवी मैंने ऊपर लगा दिया। अच्छा क्यों भाई, तुम्हें नहीं देखना था क्या? नहीं फ्रेंक भैया, मुझे देखने का मन नहीं था। ठीक है भाई, चलो अच्छा किया। चलो चल के अब हम लोग सोते हैं। आज सिंचैन सो जाओ भाई आराम से, तुम भी। ठीक है फ्रेंक भैया। चलो गाइस, तो ये देख सकते हो भाई रात हो चुकी है, और टाइम देखें यार कितना बज रहा है अभी, 22:39। चलो भाई बिल्कुल सही समय हम लोग उठे हैं यार। अब जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं जल्दी से अपने यहाँ। अबे सिंचैन को तो मैं लेना ही भूल गया, वो कहाँ गया? अरे भाई आ गए तुम? फ्रेंकी भैया मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था, आपके साथ ही उठाऊं। चलो ठीक है यार, फिर तो बहुत बढ़िया। आ जाओ यार जल्दी से कार में बैठो। सही हुआ यार, एकदम टाइम से हम लोग उठ चुके हैं, अब जल्दी चलते हैं भाई, मजा आने वाला है आज रात में। हाँ फ्रेंकी भैया, चलो चल के देखते हैं वहाँ पे कौन सा भूत हमें मिलता है। हाँ भाई चलो बैठो जल्दी से। गाइस निकले यार, फटाफट घुमाते अपनी कार को, फुल स्पीड में भगाते हैं भाई। रात में गाड़ियां भी देखो एकदम नहीं चल रही हैं, इधर जब इतनी कम चल रही है तो सोचो भाई जहां हम लोग वहां गए थे अभी तो यार एकदम कम ही गाड़ी होगी या फिर होगी ही नहीं। चल के जरा भाई वहां पे देखते हैं फटाफट। चलो गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम लोग चर्च पे। वहां देखो भाई सामने दिखाई दे रहा है, अबे यार वहां पे एक भी लाइट भी नहीं जलाया गया यार, क्या मजाक चल रहा है। और यहां के रोड्स देखो यार कितने ज्यादा सुनसान है। यार डर नहीं लग रहा है तुम्हें? भैया डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है। अबे यार अपनी कार का हेडलाइट भी टूट चुका है, क्या मजाक है यार, सही में यार पूरा खराब हो चुका है अपनी कार भी। चलो अच्छा यहाँ से ऊपर चढ़ाते हैं भाई, डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है सिंचैन, हम लोग का यहाँ आना सही तो रहेगा? हाँ फ्रेंकी भैया कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो चल के हम लोग टेस्ट करते हैं। हाँ भाई आओ जरा निकाले। और भाई मेरे ख्याल से ना वहाँ जो वो लाइट जल रहा है वहीं पे हम लोग ले चल के इस बोर्ड को लगाते हैं। भाई सिंचैन डर लग रहा है यार मुझे, तुम कैसे अंदर जा रहे हो? रंगीर भैया कोई तो नहीं है, आ जाओ जल्दी से। अबे भाई इस चर्च के पास जाने का ही भाई हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा चलो यार चलते हैं अंदर। अबे यार कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पे? नहीं फ्रेंकी भैया मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। चलो गाइस तो यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं, ये देखो गाइस यहाँ जो लाइट जल रही है ना यहाँ लगाते हैं, यहीं पे बोर्ड को फिट करते हैं जमीन पे और इसी पे भाई अपना सब कुछ सेट करते हैं जैसे जैसे हमें गेम खेलना है। एंड अब देखो गाइस हमने यहाँ पे पूरा सेटअप अपना बना लिया है, यहाँ पे चारों कोनों पे हमने कैंडल जला दी है, यहाँ पे यस लिख दिया है, यहाँ पे नो लिख दिया है, और ये रहा भाई सेंटर में ये एरो, ये वाला जो डायरेक्शन है ये जिधर रहेगा, मान लो ये वाला इधर आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई भी घोष्ट नहीं है और ये सब भाई सिर्फ अफवाह था यहाँ पे घोष्ट वोष्ट होने का। और अगर यही नो की तरफ घूम गया तब हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पे कोई न कोई घोष्ट है, और भाई तब तो हमें यहाँ से दुम दबा के भागना पड़ेगा। तो चलो सिंचैन हम लोग यार शुरू करते हैं चार्ली चार्ली वाला गेम खेलना। समय इस समय देख सकते हो गाइस 1:32 हो चुके हैं, 1:32। चलो सिंचैन यहाँ पे तैयार हो ना तुम? हाँ फ्रेंकी भैया मैं तो तैयार हूँ। गाइस यार मैं ना अपने हाथ में कुछ ले लेता हूँ यार, ऐसा मतलब
ये ले लेता हूँ, बेसबॉल बैट। सही है भाई, अब चलो गाइस शुरू करते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन भैया, ऐसे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो सोचेगा कि आप उसको मारने वाले हो। हाँ यार, बात सही कह रहे हो। ठीक है यार, अच्छा अंदर रख लेते हैं, ऐसे ही हम लोग गेम खेलते हैं। चलो सिंचन, रेडी हो? हाँ फ्रैंकलिन भैया, बोलो। तो चार्ली, चार्ली आर यू हियर? भाई कोई रिस्पांस नहीं है यार सिंचन, यहाँ पे तो एरो कुछ हिला ही नहीं। हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई फिर से एक बार करके देखें क्या? हाँ फ्रैंकलिन भैया, चलो फिर से करते हैं। चार्ली, चार्ली आर यू हियर? भाई कुछ नहीं हो रहा है यार सिंचन, ये तो एरो वैसे का वैसा ही है। हाँ फ्रैंक भैया, ये एरो तो हिला ही नहीं। भाई तो क्या किया जाए? फ्रैंकलिन भैया, हमें ना एकदम दिल से बोलना पड़ेगा, मतलब एकदम अच्छे से कि हम लोग उसे बुलाना चाहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो एक लंबी सी सांस लेते हैं, आराम से हम लोग बोलते हैं, चार्ली, चार्ली आर यू हियर? और भाई ये देखो यार, ये तो घूम गया। फ्रैंकलिन भैया, इसका मतलब कि ये तो यहीं पे आसपास कहीं ना कहीं कोई है। हाँ सिंचन, सही में यार, यहाँ पे जरूर कोई आसपास कोई घोस्ट है यार। अबे यार, अब क्या करें सिंचन? फ्रैंकलिन भैया, हम लोग अब भाग नहीं सकते ऐसे। भाई क्यों यार, क्यों नहीं भाग सकते? फ्रैंकलिन भैया, हमें उससे पूछ के ही जाना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं जाने देगा, वरना हमें नुकसान पहुँचाएगा। अबे सही में? हाँ फ्रैंकलिन भैया, सही में ऐसा हो सकता है। अरे यार, फिर तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। गाइस तो अब हम लोग ना सेकंड क्वेश्चन इससे ये पूछ लेते कि ये अच्छा वाला भूत है या बुरा वाला। हाँ फ्रैंकलिन भैया, लेकिन हमने इसे रीसेट कर लिया ना। हाँ भाई, रीसेट कर लिया है पहले जैसा शुरुआत में। तो चलो सिंचन पूछते हैं, चार्ली, चार्ली क्या तुम अच्छे वाले भूत हो? ये क्या सिंचन, यहाँ पे तो ये एरो नो की तरफ चला गया। हाँ फ्रैंकलिन भैया, मतलब कि ये कोई बुरा वाला भूत है। हाँ यार, फिर तो ये हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है ना। बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, आप सही कह रहे हो, फिर तो ये हमें नुकसान पहुँचाएगा। अबे यार भागो यहाँ से। फ्रैंकलिन भैया, नहीं जा सकते हम लोग यहाँ से। अबे क्यों यार, क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते फ्रैंकलिन भैया, क्योंकि नहीं तो वो हमारे पीछे पीछे आ जाएगा, हमारे साथ हमारे घर पे। अरे यार, ये तो हम लोग गलत मुसीबत में पड़ गया सिंचन, ये पहले क्यों नहीं बताया यार तुमने? फ्रैंकलिन भैया, मुझे भी अभी अभी पता चला। अच्छा ठीक है यार, फिर हम लोग क्या करें? अब हम लोग को यार नेक्स्ट कुछ और पूछना पड़ेगा, या फिर इसी से हम पूछ के क्विट कर सकते हैं ना। हाँ फ्रैंकलिन भैया, इसी से क्विट करवाना होगा। चलो गाइस, सबसे पहले तो इसे हम लोगों ने देख सकते हो रीसेट कर लिया है, और अब हम लोग इससे पूछते हैं, चार्ली, चार्ली क्या हम इस गेम को क्विट कर सकते हैं? ये क्या हो रहा है सिंचन, ये तो यार देख सकते हो नो की तरफ घूम चुका है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, अब क्या होगा, हम लोग क्विट भी नहीं कर सकते इसको। हाँ यार वही तो। फ्रैंकलिन भैया, आप इससे पूछो, क्या ये हम लोग को नुकसान भी पहुँचाएगा? भाई उससे पहले ना हम लोग यहाँ पे ना इससे प्रूफ मंगवाते हैं कि सही में यहाँ पे है, हमें कुछ हिंट दे, मतलब कुछ करके दिखाए हमारे सामने, तब हमें पता चलेगा कि वो है यहाँ पे। हाँ ठीक है फ्रैंकलिन भैया, चलो इससे पूछो जल्दी से। चलो गाइस, तो अब हम लोग पूछते हैं, चार्ली, चार्ली क्या तुम मुझे कोई हिंट दे सकते हो कि तुम यहाँ पे हो? अबे भाई ये तो दोबारा से यस की तरफ घूम गया। हाँ तो फ्रैंकलिन भैया, फिर तो कोई ना कोई हमें हिंट जरूर मिलेगा अभी। हाँ भाई वेट करते हैं थोड़ा सा, यार कितना अंधेरा हो चुका है यार सिंचन, मुझे अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा है यार। एक तो भाई हमें यार क्विट करने से भी ये मना कर दिया। फ्रैंकलिन भैया, जरा अपने पीछे देखो। भाई अपने पीछे? अबे ये क्या हो रहा है यार, ये अपने से कैसे घूम रहा है यहाँ वहाँ? फ्रैंकलिन भैया, उसे छूना मत, उससे बिल्कुल दूर रहना। अबे भाई मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। अरे यार ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है? अबे भाई मुझे नहीं चाहिए यार हिंट, नहीं चाहिए, प्लीज भाई मेरा पीछा छोड़ दो यार। फ्रैंकलिन भैया, ये तो मुझे भी दौड़ा रहा है। अबे हाँ यार वही तो बात है, भागो जल्दी से यहाँ से। नहीं फ्रैंकलिन भैया, भाग नहीं सकते हम लोग यहाँ से, नहीं तो फिर वो हमारे घर पे आ जाएगा। हाँ यार ये भी बात तुम सही कह रहे हो, हमने भाई उससे पूछा और वो भाई हमें यहाँ से जाने से मना कर दिया है। फ्रैंकलिन भैया, मुझे लगता है वो चला गया यहाँ से। हाँ भाई नहीं नहीं नहीं, अबे यार ये तो पीछे ही आया जा रहा है। फ्रैंकलिन भैया, मुझे लगता है हम लोग को चार्ली से मना करने चाहिए कि जल्दी से इसे वापस बंद कर दे। हाँ हाँ चार्ली, चार्ली जल्दी से ये हमारा हिंट जो दे रहे हो बंद कर दो इसे। चलो गाइस, कम से कम अब जाके राहत मिली, यहाँ देख सकते हो भाई अब कुछ नहीं हमारे पीछे भाग रहा है। फ्रैंकलिन भैया, हम लोग को जल्दी से इसे खत्म करना है। हाँ यार पूछते हम लोग दोबारा से, चार्ली, चार्ली क्या अब हम लोग खत्म कर सकते हैं इसे? अबे यार ये तो यार फिर से नो की तरफ घूम गया। फ्रैंकलिन भैया, इससे ना अच्छे से बोलो कि हम लोग क्विट करना चाहते हैं। हाँ चार्ली, चार्ली प्लीज हमें ये क्विट करने दो, प्लीज यस बोल दो। चलो भाई फाइनली, फाइनली भाई इसने यस बोला। सिंचन आ जाओ यार, अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है भाई, चलो बाय चार्ली, चार्ली। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। गाइस ये भूत तो यार बहुत ज्यादा डरावना था। फ्रैंकलिन भैया, उसने हमें प्रूफ भी दे दिया। बिल्कुल भाई वही तो, अब हम लोग यहाँ से भागते हैं जल्दी से। एंड गाइस आप लोग बताओ यार, आप लोग को डर लगा कि नहीं? मुझे तो भाई बहुत ज्यादा डर लगा यार ये देख के कि वहाँ सच में भूत है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, चलो अब जल्दी से हम लोग अपने घर पे निकल जाते हैं। भाई आज तो मुझे नींद भी नहीं आएगी यार, हम लोग कैसे सोएंगे? भाई मुझे डर लग रहा है कहीं वो अभी भी तो मेरे साथ नहीं आ जाएगा। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, क्योंकि गाइस हमने उससे पूछा है तभी हम लोग वहाँ से निकले हैं। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, अब चलो फटाफट घर चलते हैं। बिल्कुल भाई, आप लोग जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कर दो, एंड अब फटाफट हम लोग अपने घर पे पहुँचते हैं। मिलते हैं अब एक और ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय।